हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में शुरू हुई फिर से बरसात के कारण जहां एक बार फिर से गर्मी के मौसम में सर्दी का एहसास हो रहा है, वहीं किसानों के लिए ये बारिश आफत बनकर सामने आई है। एक तरफ जहां पर कई किसानों ने निचले क्षेत्रों में फसल की कटाई शुरू कर दी है, तो वहीं उनकी फसल अब खेतों में इस बरसात के कारण खराब होने की कगार पर है। जिला बिलासपुर की ऊपरी क्षेत्र में हालांकि अभी फसल की कई जगह कटाई शुरू नहीं हुई है, तो भी वहां भी किसानों को फसल खराब होने की चिंता सता रही है। तूफान से आम व अन्य फसल की पैदावार को भी नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि इस बार अच्छी फसल होने की उम्मीद थी, लेकिन बेमौसमी बारिश से फसल खराब होने की स्थिति में है। एक तरफ प्रदेश की जनता कोरोना की इस महामारी से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ प्रकृति भी किसानों को धोरी मार देने में लगी हुई है। किसानों का कहना है कि उन्हें इस मौसम में इतनी ज्यादा बरसात नहीं होती थी, लेकिन इस बार लगातार हो रही बारिश से उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। वहीं उनकी साल भर की मेहनत पर भी पानी फिर रहा है। किसानों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि उन्हें जो भी फसल उनकी खराब हो रही है उसका सर्वे करवाकर उन्हें मुआवजा प्रदान किया जाए। मेरा नाम लेखराम ठाकुर है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि जैसे बेमौसमी बरसात का मौसम गर्मियों में चल रहा है, निचले क्षेत्रों में फसल की कटाई हो चुकी है और जो ऊपरी क्षेत्र हैं उनमें भी फसल की आधी कटाई हो रही है, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूँगा भी जो भी किसानों की जो फसल का खराबी होगी उसको मुआवजा देने की कृपा करें। जैसे कि फसल की कटाई कहीं पर पूरी हो चुकी है और कहीं शुरू हो रही है और सारी फसल भीग चुकी है और फसल के खराब होने के आसार हैं, और जो भी अगली सब्जी की फसल लगानी थी उसके लिए भी किसान परेशान है, क्योंकि बरसात बार बार बेमौसमी हो रही है। इस कारण जो है तो किसान बहुत चिंतित है और वह सरकार से मांग करते हैं कि सरकार किसानों की सहायता करे और मुआवजा देने की कृपा करे। जैसे कि पूरे संसार में कोरोना की बीमारी फैली है और हमारे हिंदुस्तान में भी कोरोना से बहुत हजारों केस बन चुके हैं, इसलिए अगर हमारी किसानों की फसलें खराब हो गई तो किसानों को संकट पैदा हो जाएगा और उन्हें अपना परिवार पालने की मुश्किल हो जाएगी, इसलिए सरकार जो है तो इसके बारे में सोचे।